हेलो स्टूडेंट्स, आज यहाँ पे हम एक ट्यूटोरियल लेके आए हैं एमएस एक्सेल से रिलेटेड, उसकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन के बारे में जिसको हम इफ स्टेटमेंट कहते हैं। मैक्सिमम डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स इफ से रिलेटेड ही होती है, तो इसीलिए है कि सबसे पहले हम इफ के ऊपर ही वर्क करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ बेसिकली इसका सिंटेक्स क्या है? तो जब भी कोई भी फंक्शन हम एक्सेल में यूज करते हैं तो उसको स्टार्ट करने के लिए इक्वल टू इफ, मैं आपको सिर्फ उसका सिंटेक्स लिख के दिखा रहा हूँ। ब्रैकेट स्टार्ट, पहले आपने यहाँ पे लिखनी है कंडीशन। अब कंडीशन क्या हो सकती है, जैसे आपका कोई सेल नंबर है, लेट से B1 इज ग्रेटर देन कोई भी कंडीशन, लेट से 50। अगर ये ट्रू है तो यहां पे क्या लिखा है, सपोज मैं ट्रू लिखूं। अगर ये फॉल्स है तो क्या लिखा है, ऐसे। सो यू गेट इट, अगर B1 50 से बड़ा हुआ तो आंसर आएगा ट्रू, अगर B1 50 से छोटा हुआ तो आंसर आएगा फॉल्स। ये आपको रफ सा सिंटेक्स है। अब इस चीज को हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली लेके देखें। आपने एक चीज नोट की इसमें कि मैंने ट्रू और फॉल्स दोनों को कोटेशंस के अंदर रखा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एज इट इज वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो। सो लेट्स डू इट प्रैक्टिकली। मैं एक शीट लेके आया हूं यहाँ पे कि जिसमें कि कुछ स्टूडेंट्स के नाम है और साथ में यहाँ पे तीन सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। सो पहले तो इनका हम टोटल कर लें, इक्वल टू सम जैसे आपको बताइए, ठीक है जी। और इसका सबको हमने टोटल कर दिया। परसेंटेजेस करने के लिए इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय 3, व्हाटएवर फॉर्मूला जो भी आप लगाना चाहते हैं, सब कुछ लग गया। ये आ गई इन सब की परसेंटेजेस। अब मैं यहां पे ये कंडीशन लगाना चाहता हूं कि अगर कंडीशन मैं ये लिखता हूं कि अगर बच्चे के 2% है 50 से ऊपर है तो 1 आए, नहीं तो 0 आए। इसको कैसे करना, अगर परसेंटेज 50 से ऊपर है तो 1 आए, नहीं तो 0 लिखा है। हम यहां पे इसके लिए इफ लिखेंगे इक्वल टू इफ व्हेन वी स्टार्ट द ब्रैकेट। आपने देखा यहां पे पूछा है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में आपको यहां पे उस सेल का नंबर लिखना है, पहले उस सेल का एड्रेस लिखना है। वो सेल कौन सा है, F3। यहां पे इसमें F3 है, F3 ग्रेटर देन 50। अगर F3 की वैल्यू 50 से बड़ी हुई फिर क्या लिखा है, 1, 1। इफ दिस इज ट्रू दिस, else इसमें ऐसे कहते हैं, कॉमा, इफ वैल्यू इज फॉल्स फिर क्या लिखा है, 0। सो इफ F3 इज ग्रेटर देन 50, कॉमा 1, 0, ब्रैकेट क्लोज। सही आया। अब इसको मैं आगे कॉपी करता हूं। यहां पे 0 आने का पर्पस, रीजन बीइंग कि इसकी वैल्यू एज यू सी कि 50 से कम है, तो यहां पे इसको 0 दिया, बाकी केस में सब ठीक दिया। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि यहां पे 1, 0 से काम नहीं चलेगा, मुझे पास फेल लिखना है। उसके लिए मैं क्या करता हूं, तो इक्वल टू इफ यहां पे है F3 ग्रेटर देन 50 तो पास, एल्स बात, क्या ये ठीक है, लेट्स राइट एंटर। सॉरी ये गलत आ रहा है। रीजन, व्हाट इज द रीजन कि यहां पे ये गलती आई है? इसका मेजर रीजन ये है कि ये पास और फेल कंप्यूटर रिकॉग्नाइज नहीं करता, कंप्यूटर को नहीं पता ये पास और फेल क्या है, पर हम तो चाहते हैं कि यहां पे हमें पास या फेल लिखा जाए। तो उसके लिए मैं यहां क्या करता हूं, पास और फेल के अराउंड मैं कोटेशन मार्क्स लगा दूंगा कि मुझे एज इट इज यहां पे एज टेक्स्ट पास या एज टेक्स्ट फेल लिखा है, एज यू सी नाउ, कॉमा पास, पास कोटेशन में, कॉमा फेल मींस फेल भी कोटेशन में। अब देखते हैं, अब ठीक है, यस, पास फेल, पास पास पास, दैट्स इट, इज इट फाइन, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसमें आपको इफ कैसे करनी है। अब लेट्स मूव फर्दर, मैं आपको एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देता हूं। ये यहां पे आपको मल्टीपल चीजें हैं, ये देखिए। अब मैं इसको ग्रेडिंग्स में करना चाहता हूं, सिर्फ पास फेल नहीं रह गया, ओ ए बी सी एंड लेस देन 40 फेल। तो यहां पे तो कई इफ कंडीशंस लग जाएंगी, इतना हम कैसे करें इस चीज को करने के लिए। ये मेरे पास कंडीशंस है, मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। हाँ, तो अगर वैल्यू जैसे हमने देखा वो B3 था, तो अगर वैल्यू 85 से ऊपर हो तो O हो, नहीं तो A हो, नहीं तो B हो, नहीं तो C हो, नहीं तो फेल हो,
अब यहां पे तो मल्टीपल कंडीशंस लग गई, इस चीज को लगाने का तरीका बेस्ट क्या है? यहां पे हम इफ की जगह इफ से भी बेस्ट, इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ्स। प्रोग्रामिंग जिन्होंने की है उनको भी पता है नेस्टेड इफ्स के बारे में, बट इसको हम एक्सेल में कैसे करेंगे, इसी चीज को करने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं। इक्वल टू इफ, सपोज B3 हमारा सेल था, B3 इज ग्रेटर देन B5, हमारी पहली कंडीशन यही थी। फिर क्या हो, अगर होती है तो हमारे पास कौन सा ग्रेड हो, ओ ओ, नहीं तो क्या हो, हम नहीं तो के लिए हमारे पास मल्टीपल है। अब आप कहेंगे अब उससे नेक्स्ट पे जाइए, 60 से ऊपर लेकिन 85 से कम, अगर 85 से बड़ा है तो ओ आ गया, इफ इट इज ग्रेटर देन 85 तो ओ आ गया, एल्स इफ इट मूव्स टू दिस ब्लॉक। अब यहां ब्लॉक पे हमें एक कंडीशन और इफ के लगाएंगे, तो उसके लिए एक और ब्रैकेट करो, मींस इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो ओ आ गया, नहीं तो एक और इफ शुरू हो गई, इफ B3 ग्रेटर देन, नेक्स्ट क्या थी 60, कोमा अगर 60 से बड़ी हो तो ए। आप कहोगे ए 60 से बड़ी तो 85 से भी बड़ी हो सकती, हम ऑलरेडी 85 से फॉल्स कंडीशन में यहां पे आ रहे हैं, एज यू नोटिस अगर 85 से बड़ी तो वहीं पे रुक जाएगी, अगर 85 से छोटी हुई तो यहां पे आएगी, इफ इट्स B3 ग्रेटर देन 60 कोमा ए कोमा, इससे नेक्स्ट क्या है 50 से ऊपर वाली कंडीशन, इफ B3 ग्रेटर देन 50, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस चीज में, कोमा बी कोमा इफ B3 ग्रेटर देन 40, फिर क्या लिखें सी। अब सी नहीं है हमारी लास्ट कंडीशन, इसके बाद क्या है इफ एक और लगाएं, लेस देन 40 जरूरत ही नहीं, अगर B3 ग्रेटर देन 40 है तो ये लगेगी, अगर लेस है तो क्या लगेगी फेल। अब मेरे पास ब्रैकेट जितनी मैंने ओपन की है उतनी बंद करनी है, 1 2 3 4, ये हमारी कंडीशन बनी। इस चीज को हम प्रैक्टिकली यहीं पे रन करते हैं, तो इक्वल टू इफ। अब आप साथ साथ नोट करना कि ब्रैकेट्स जब भी आप लगाओगे तो ब्रैकेट्स का कलर चेंज हो जाएगा ताकि वो आपको हेल्प कर सके कौन सी ब्रैकेट कहां पे क्लोज की है। इफ F3 जिसको हमने रखा है ग्रेटर देन, पहली क्या कंडीशन थी 85, फिर क्या हो आउटस्टैंडिंग, नहीं तो इफ, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, अब ब्रैकेट का कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया आपकी हेल्प के लिए। F3 ग्रेटर देन 60 कॉमा ए, आप देख रहे हैं यहां पे 60 के बाद 50 वाली कंडीशन बी से गड़ा बड़ा कॉमा इफ F3 ग्रेटर देन 50 कॉमा बी कॉमा इफ F3 ग्रेटर देन 40 कॉमा सी, नहीं तो लास्ट कंडीशन क्या है 40 से बड़ी नहीं तो फेल कॉमा फेल। ब्रैकेट्स कितनी बंद करनी है, बेस्ट ये होगा कि एक एक करके बंद करते रहो, आपको कलर के साथ वो बताते जाएगा, नोट करिए, ग्रीन बंद हो गई, ब्लू ब्रैकेट बंद, दिस क्लोज्ड एंड फाइनली ब्लैक क्लोज्ड। व्हेन यू प्रेस एंटर उसने ऑटोमेटिकली डिसीजन दे दिया। इस चीज को हम इफ के अंदर इफ यानी कि नेस्टेड इफ कहते हैं, इफ के अंदर इफ। एज यू सी अलग अलग में सबको ओ बी ए सबको ग्रेड्स अलग अलग उसने ऑटोमेटिकली सबको दे दी। सो दिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ इफ। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इस चीज को कैलकुलेशंस पे लेके जाएंगे, नेस्टेड इफ्स में आप कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन के एग्जाम्पल के साथ हम इस चीज को करेंगे। सो फॉर द टाइम बीइंग आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, लेट्स वर्क फर्दर विद इफ्स एंड नेस्टेड इफ्स। थैंक यू।